ध्यान से। मुझे डरा दिया था। निकलने का रास्ता उधर है, हम केवल यहां से आगे निकल सकते हैं। ध्यान से। रुक जाओ, तुम में से यहां से कोई भी बाहर जिंदा नहीं जा सकेगा। उन्हों की देखभाल करने में मदद करो मेरी। अच्छा है इस बार तुमने कायरता नहीं दिखाई। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ के विशेष चित्र लंबी उम्र की सीढ़ियाँ हो? चिल्लिंग भूलभुलैया में घुसपैठियों के लिए मौत का अभिशाप। ये पता चलता है कि वे यहाँ मुर्दों को जिंदा करने की तकनीक का गुप्त रूप से अध्ययन कर रहे थे। अफवाह भी उड़ी थी। जल्दी जाओ। है अधिकारी, पीछे मुड़कर मत देखना, उन लोगों को अपने साथ ले जाओ। तुम क्या कर रही हो? जाओ जाओ यहाँ से। ओनो, ओनो, मुझे पकड़ो। मेरे कारण तुम्हारे पिता को क्या हुआ था, मैं तुम्हें फिर से निराश नहीं करूंगा। मेरी लंबी उम्र, मास्टर लियो, उन्हों को बचाने में मदद करो मेरी। मास्टर लियो, उन्हों को पहले जाने दो। मेरी लंबी उम्र बर्बाद कर दी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ ही दफन हो जाओ। जल्दी जाओ। और आपका क्या? और मेरे पिताजी? मुझ पर विश्वास करो, मैं उसे बाहर निकालूंगा। जाओ। स्वर्गीय अधिकारी, सुनहरे मुखौटे वाला आदमी बहुत जहरीला होता है। शरीर की रक्षा के लिए आपको क्यूवी का उपयोग करने की जरूरत है। आई एम सॉरी ओनो, मैंने तुमसे झूठ बोला था। जब तुम्हारे पिता ने मुझे जिंदा रखने की कोशिश की तो आत्महत्या को चुना। मैं इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सका और इससे भागता रहा। आज मुझे तुम्हारे पिता की मौत का बदला लेना है। तुम जाओ, मुझे वादा करो तुम्हारे पिताजी की और मेरे लिए तुम अच्छे ढंग से जियोगी। अगर तुम मरने के लिए इतने बेताब हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा।
चश्मिश, तुम क्या कर सकते हो जल्दी बताओ मुझे। बड़े भाई। हाँ? क्या हुआ इंग्शुआन? इधर मत आना। स्वर्गीय अधिकारी की मोहर कहाँ है? डरो मत। ईश्वर की कृपा से कोई समस्या नहीं है। यहां ऐसी और ईटे तो नहीं है? यहाँ तो बहुत सन्नाटा है, हम वापस क्यों नहीं चले जाते? बड़े भाई, लोग फेफड़ों की अजीब बीमारी से बचाव के लिए भूत जिनसिंग औषधि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्राप जो भी हो, मैं वैसे भी विश्वास नहीं करता। ध्यान रहना होगा। अब मैं गरीब नहीं रहूंगा। जरा इस चीज को देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या बुरा होगा। कम से कम ओनो अब और भूखी नहीं रहेगी। बड़े भाई, चलो चलते हैं। बड़े भाई, क्या हुआ तुम्हें? एक कटोरी चावल का दलिया भी हमें पड़ोसियों से उधार लेना पड़ता है, मगर इस चीज के साथ अब ओनो फिर कभी भूखी नहीं रहेगी। चलो चलते हैं, जल्दी करो। तो अभी जाओ, भूत जिनसिंग की औषधि गांव वालों के पास वापस ले जाओ। पवित्र भूमि में प्रवेश करने की हिम्मत किसने की? अगर मेरा अनुमान सही है तो तुम्हारा संबंध फकीयू परिवार से है। इन दिनों कैप्टन जिन को क्या हो गया है? हिलते हुए पहाड़ और खतरनाक चट्टानों में कोई छाया तक नहीं आती, मगर तुमने आने की हिम्मत की। कुछ तो कारण जरूर होगा। तुम सुनहरे मुखौटे वाले महान इंसान हो? जैसा कि तुम जानते हो, तो फिर आ जाओ। No!
बड़े भाई, हम फकीर पाई अपने भाइयों से पहले ही हाथ हो चुके हैं। मैं फिर से चोरी नहीं करूंगा। असल में इस बार मैं यहाँ लोगों को बचाने के लिए दवा लेने आया हूँ। लेकिन उसने क्या किया मुझे बताओ। मैंने आखिर क्या किया है बताओ मुझे, बताओ। तुम बहुत कमजोर हो मगर थोड़ा दिलचस्प भी। अब मैं तुम्हें जीने का एक मौका दे रहा हूं। अपनी तलवार से उसे मार दो। भाभी, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। ब्लड प्रेशर चिंताजनक है। हाँ। मैं तुम्हें पहले कुछ दवा दूंगा, कुछ ब्यायो, पोरिया, तिल्ली और लीवर का प्रयोग करें। अच्छा? पहले की तरह फिर प्रयास करें। तुम रोज स्कूल नहीं जाती हो, मैं जाता हूँ, क्लास बंक करती हो। जितने नजर आते हैं अब इस सबका क्या फायदा है? ये वही सब है जो मेरे पिताजी पीछे छोड़ गए। आप मुझे देखने क्यों नहीं देते? जेंगजी आओ, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूं, इसे फेंक दो मेरी खातिर। और वो सारा कबाड़ जो तुम्हारे बैग में है, मैं अब कभी ना देखूं। हमारा झोंग परिवार क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मैं आपके जैसे नहीं बनना चाहती। मैं जा रही हूं अपने पिताजी के पास। ये लड़की भी ये सब ठीक है। अंधेरा हो रहा है, मुझे भूख लगी है, मैं वापस आता हूं। ए ओनो, आओ, 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 ताजा ताजा बने गरम बंस। शुक्रिया वोंगबो, अब मुझे बन खाने में शर्म सी आती है। जरा देखो ये बच्ची क्या कर रही है। तुम्हारे पिता पूरे गांव के शुभचिंतक थे, जिंदगी ऐसे ही चलती है। कुछ बन खाओ। पापा, क्या आप सच में बहुत बीमार हैं?
कुछ लोग कहते हैं कि आप हिंसक रूप से मारे गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने दवा लेने के लिए भूलभुलैया में प्रवेश किया था और उसका श्राप मिला था। अंकल इतने वर्षों से डॉक्टर को दिखा रहे हैं और दवा ले रहे हैं, शहर से बाहर जाने की हिम्मत न करते। कहते हैं मुहर का आधा हिस्सा खो गया है। मैं उनकी जैसी नहीं बनूंगी। वो तो ढूंढते ही नहीं, मगर मुझे स्वर्गीय अधिकारी की मुहर का वो आधा हिस्सा वापस लाना है। नीचे आ रहे हो? मुझे परवाह नहीं। अपनी तलवार से उसे मार दो। भूत विन जेन जेन भूत विन। ये जंगली लड़की यहां कहां से आ गई? तुम कौन हो? जिसने उस चीज को छुआ वो यहां से जिंदा नहीं निकला। तुम अपने काम से काम रखो। चलो। कप्तान जिनकी झलक। इतने बरसों के बाद वो अभी भी मौजूद है। क्योंकि तुमने मेरे दरवाजे पर आने में पहल की है, तो इस समय मैं इससे ज्यादा दया नहीं कर सकता।
मुझे परवाह नहीं, अगर तुम लोगों को बचाने के लिए हीरो बनना चाहते हो तुम मुझे चाहे जो कुछ कहो मगर उसे कुछ मत कहना। मुझे क्या हो गया है? तुमने गलती से एक चीज को छू लिया है और जहर फैल गया। जहर का हमला कल रात हुआ, तुम्हें बचाने के लिए मैंने जहर का असर रोक दिया। वहां गुफा में बेजान लोग हैं, तुम्हारे बाप ने मुझसे तुम्हारी देखभाल को कहा था। तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, मैं तुम्हारे बाप को क्या जवाब दूंगा? मुझे नीचे उतारिए, मैं पिताजी को सब कुछ बता दूंगी। इतने साल तक आप किसी के काम नहीं आए। ये आधी मोहर है, तुम इसे पहने रहो, ये तुम्हारे शरीर में जहर को बढ़ने नहीं देगा। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। जल्दी या बाद में समझ जाओगी, शांति से जीना किसी भी और चीज से बेहतर है। पागलपन बंद करो, ठीक है? समझ गई? आपकी तरह ना। हम उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो क्या कल रात वो एक छोटा सा मुकाबला नहीं था? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है वो चिनलिंग भूलभुलैया है। अरे क्या बात है, मुझे बहुत भूख लगी है। आपके लिए क्या लाऊं कॉमरेड? मेरे लिए एक प्लेट मूंगफली लाओ और एक थाली साग सब्जी की। एक और थाली दही की। दही? अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो बस सोया सॉस की एक प्लेट लाओ, बस चावल डाल के। मैं बुरी तरह घायल हूँ, क्या हम कुछ अच्छा नहीं खा सकते? मैं चिकन लेग खाऊंगी। और एक चिकन लेग। यहाँ पर चाय फ्री नहीं है। दोस्त? हाँ, और कुछ? ये डबोले के 6 तांबे के सिक्के हैं, क्या ये पूछने की हिम्मत कर सकता हूँ? मैं मास्टर लियू को तलाश कर रहा हूँ जो शहद की छतें बनाने में माहिर है। इन शहद के छतों की असलियत क्या है? जहां तक ये बादशाह और सेनापति की गुफाओं का मामला है, खुफिया सुरंगों वाले सहज रूप में नदियों और झीलों के क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो इस काम में माहिर हैं। छत्ता बनाने वाले आदमी छोटे छोटे छत्तों का तंत्र जानते हैं। तुम पर किस जहर का असर है वो निश्चित रूप से जानते होंगे। मेरा नाम जिंग यिंग शुआन है, मुझे शहद के छत्ते बनाने वाले मास्टर लियू की तलाश है। शहद के छत्ते? मैं तो बस कोयला कंप्रेस करता हूं। आपका नाम झेंग यिंग शुआन है? फाकिड स्कूल के झेंग यिंग शुआन ना? अंदर आइए, दरवाजा संभाल के। हाँ, झेंग तियान शुआन वास्तव में कई पीढ़ियों से बेहतर पीढ़ी है। मैंने कहा तुम क्या बोल रहे हो चश्मिश? सीढ़ियों पर पैर संभाल के, अब पहले जैसे आदर्श नहीं रहे और नहीं झेंग तियान गुआन जैसे लोग।
मेरा नाम लियू टिंगशांग है। यांगजी नदी के दक्षिण में कई प्रांतों में बसे शहद के छत्ते के कारीगरों में से एक। क्या तुम मधुमक्खी के छत्ते बनाने वाले कारीगर होने का नाटक कर रहे हो? माओटो लड़का मधुमक्खी के छत्ते के माहिर के रूप में यह अधिक प्रमाण है कि मैं एक प्रतिभाशाली लड़का हूं। तुम कहां देख रहे हो? मैंने सुना है कि स्वर्गीय अधिकारी की मोहर उल्का पिंडों से बनी है। पूरे शरीर का रंग गहरा काला, ये छोटा है लेकिन ये वास्तविक है। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये मेरी भतीजी जिंग शियावे है, सांप के जहर से ग्रस्त है, तो मैं तुम्हें तकलीफ देने आया था। क्या आप चिनलिंग गुफाओं में गए थे? क्या तुम जानते हो उसके बारे में? हाँ बेशक मुझे पता है। फेंगशुई का ये टुकड़ा यहाँ तक कि भूमिगत चुंबकीय क्षेत्र से भी अलग है। सुनहरे मुखौटे में एक आदमी लंबे समय से चिनलिंग पर्वत पर कब्जा किए बैठा है। इसके अलावा चिनलिंग पर्वत पहले से ही समृद्ध है, वहाँ एक अभिशाप के किस्से मशहूर हैं। आप काफ़ी बहादुर है कि चिनलिंग गुफाओं तक पहुँच गए। शेर छः को छूने की किसी की हिम्मत अभी तक नहीं हुई है। इस जहर से छुटकारा कैसे पाएं? इस पर असर करने वाले जहर को यूजिन पॉइजन कहते हैं। इस जहर का संबंध शू से है। तांबे के इस ताबूत में विभिन्न पक्षियों की लाशें रखें, उन्हें लाशों के पानी में बदलने दें, फिर उसमें नींबू का पानी डाल दें और फिर वो होगा एक प्रकार का तेल, और फिर ऐसा काला सुनहरा पानी भारी और जहरीला होता है। और फिर उसे कब्र की दरारों में रख दें। बहुत कठिन है ना? मुझे केवल इस काले जहर की चिंता है, समझे? ओह, वर्तमान तकनीक के साथ उस दिन जहर बेहतर है। धातु विषाक्त पदार्थों से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कौन जाने उस समय वहां कौन था, किस लाश का इस्तेमाल किया गया था। क्या मैंने सही कहा? इसका मतलब शहद के छत्तों का माहिर इसका पता नहीं लगा सकता। ऐसा कोई जहर नहीं है जिसका लियू टिंगशांग इलाज नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चूंकि मास्टर लियू जहर का इलाज नहीं कर सकता, तो ठीक है, चलो कहीं और चलते हैं और इसका पता लगाते हैं। ऐसा कोई जहर नहीं है जिसका लियू टिंगशांग इलाज नहीं कर सकता। ड्राई स्ट्रॉबेरी, बड़ी और मीठी ड्राई स्ट्रॉबेरी। नहीं 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 नहीं, ले लो, मीठी है ड्राई स्ट्रॉबेरी। एक मिनट रुकिए, मैं अभी आया। धीरे धीरे पिए। मजेदार चेस्टनट ले लो, चेस्टनट, मजेदार चेस्टनट ले लो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम फिर से भागी दौड़ी तो जहर बढ़ेगा। मजेदार चेस्टनट। जहर बढ़ेगा? मैं तो इसलिए डर रही हूँ कि आप साथ हैं। जहर बढ़ने से पहले मैं ड्राई स्ट्रॉबेरी और चेस्टनट खाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है, लगता है जहर बढ़ रहा है। बड़ी और मीठी ड्राई स्ट्रॉबेरी ले लो, ड्राई स्ट्रॉबेरी, बड़ी मीठी ड्राई स्ट्रॉबेरी। ये लीजिए, आ गई आपकी मूंगफली। चश्मिश, चेस्टनट खाना है? अरे उसे रख दो। उफ, ये एक बजर है, घातक खेल। अगर इसका बटन दबा दिया तो जंगली मधुमक्खियां मीलों दूर से भी आ जाएंगी, समझी तुम? मेरा नाम मोइन है। तो क्या करूं? एक आलसी व्यक्ति जो शराब का लालची है। मैं देख रहा हूं तुम अकेले बोर हो रहे हो, बस बेशर्मी से यहां आ गया। ठीक है,
जेंग परिवार के पूर्वजों ने गुप्त तकनीकी को समझ लिया था। मैं नहीं जानता क्या आप मूंगफलियों में अंतर पहचान सकते हैं। हेक्साग्राम देखें। छिपकली आमतौर पर इशारा करती है पुराने दोस्तों की मुलाकात का। दिलचस्प। चूंकि जेंग तियांग गुआन बड़े दिलवाले हैं तो मैं शिष्टाचार के बारे में बात नहीं करूंगा। मेरे पास अच्छी शराब है, चलो पीते। यस कॉमरेड्स, चलो पीते हैं। देवताओं के बारे में बात करो। हमारे पास हमारे पूर्वजों के कुछ लोग हैं, वे उन्होंने हमें सिर्फ एक नाम दिया। सिर्फ नाम नहीं, आप में अनुपम प्रतिभा है। सब आपको पहचानते हैं, चूंकि सभी जानते हैं जब आप कुछ करते हैं कई निगाहें आपको देख रही होती हैं, तो आप जो करते हैं सबके लिए आप एक आदर्श हैं। दोस्त, तुम कहां से आए हो? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। ठीक, चलो पीते। चीयर्स। स्वर्गीय अधिकारी बताएंगे भाग्य, क्या आप नहीं जानते कि देवता भाग्य में विश्वास करते हैं? दूसरों का पता नहीं, मैं सिर्फ खुद पर विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। मैं एक दर्जन में एक पैदा हुआ था। मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे माता पिता ने मुझे करने के लिए कहा था। वो कहते हैं कि यही तुम्हारा जीवन है, तो और तभी मैंने कड़ी मेहनत की। ये अफसोस की बात है कि मैं दुश्मन से नहीं जीत सका। आखिरी बार तक मैं दो लोगों से मिला, वो मेरे जीवन का पहला वास्तविक झटका था, और वो मेरे स्वाभाविक शत्रु भी हैं। उनमें से एक बड़ा दिलचस्प है, मैं उसे सबक सिखाने जा रहा था। ताकि मैं सुख चैन से जी सकूं। मुझे नहीं पता था कि आज इतने साल हो गए, मगर वो अभी भी जिद्दी है। उस दिन उस मरे हुए आदमी की बेटी, बिना वजह मुझे फिर से भड़काने आ गई। ये जीवन है। मैं अपने आप से कहता हूँ ये आदमी होशियार नहीं हो सकता। जबकि किसी को बार बार सिखाया गया हो, जबकि किसी न किसी को क्रूर तो होना ही पड़ता है ना? तुम इतने सारे लोगों से अकेले मुकाबला कैसे कर लेते हो? हाथ खोलो। क्या कर रहे हो? इन्हें केवल कीड़ों को दूर भगाता है बल्कि दुर्गंध भी दूर करता है। जाओ और मेरी मदद करो। ओनो सिर्फ अपने पिता का सम्मान वापस चाहती है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप जेंग तुआंग गुआन है, वो आपकी भतीजी। हर कोई देख रहा है कि वो हंगामा करती है। भविष्य में मेरी चिल्लिंग भूमि, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आना चाहे आ जाए, कोई भी जाना चाहे चला जाए। तुम्हें वो परिणाम मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। लोगों को ज्यादा धोखा मत दो। जैकल, यहाँ आओ। अभी तो हमें यह मिला है, अब आप क्या कहते हैं? मैं तुम्हें अपनी जान भी दे सकता हूं, मेरी भतीजी को जाने दो। तुम्हारी जान तो पहले से मेरी है। पहले छुप जाओ, अंकल देख लेंगे तो हमें बचा लेंगे। मैं एक अच्छे स्वभाव वाला इंसान हूं,
अगर तुम मेरी भतीजी को नुकसान पहुंचाने की जिद पर अड़े हो तो भले ही मैं मर जाऊं मगर तुम्हें सड़क पर घसीट लूंगा। ओनो, 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 अंकल, क्या तुम ठीक हो? सब ठीक है। ये लड़का भागने में बहुत अच्छा है। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है। वो सब मेरे सामने बच्चे हैं, उन सभी को लोगों ने काले रंग में रंग दिया है। मास्टर लियू, अब मैं समझ चुका हूं, अंत में एक ही रास्ता बचता है। मुझे परी की आंखें देखने के लिए ले चलो। मैंने सुना है कि अगर आप जादुई डॉक्टर से मिलना चाहते हैं तो परी की आंखें देखने से पहले एक खजाना भेंट करना होगा। आज आप अपनी चमत्कारी मोहरों को इतनी आसानी से नहीं दे सकते हैं ना? अगर अंकल ने मोहर सौंपने की हिम्मत भी की तो सबसे पहले मैं लड़ूंगी। परी की आंखों को देखना मुश्किल है। इसके बारे में चिंता मत करो, चलते रहो। क्या वो परी यहाँ पर रहती है? उस परी की आंख का ठिकाना रहस्यमय है। इस जगह को असीमित दायरे के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा इसलिए कि यहाँ समय और स्थान की कोई कल्पना नहीं है। तो परी जानती है कि पहले क्या हुआ था, और ये भी जानती है कि बाद में क्या हुआ। ये असीमित दायरे का प्रवेश द्वार होना चाहिए। प्लीज। आंतरिक राक्षसों ने जीवन और मृत्यु को अप्रत्याशित रूप से तबाह कर दिया है। क्या तुम यह खतरा मोल लोगे? जहाँ तक ओनो का जहर निकालने का सवाल है, मुझे यह खतरा उठाना है। मैं जाना चाहूंगा। इस दरवाजे को दिल का दरवाजा कहते हैं। अंदर जाने वाले बहुत से लोग कभी वापस नहीं आए। वह आपका इंतजार कर रही है।
कैसे खो गया? आपने चिनलिंग रोटोज में प्रवेश क्यों किया? ताकि वो मर जाएंगे और आप जिंदा रहेंगे? आज ही ओर का जन्मदिन है। हमारा झोंग परिवार क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मैं आपकी जैसी नहीं बनना चाहती। नहीं, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। ये कल्पना है, कल्पना। मुझे लगा कि तुम बाहर नहीं निकल सकोगे। मैं हमेशा सोचता हूं, उस दिन अगर हम एक साथ निकल भागते, या ये मैं हूं जो अभी भी मरा हूं। तुम्हारे भाई ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, तुम्हें खुद को दोष देने के लिए नहीं। वह अपनी जगह तुम्हें जिंदा देखना चाहता है, जैसे पुनर्जन्म। शुक्रिया। मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, तुम खुद आए हो यहाँ। तो मैं अपनी भतीजी को कैसे बचाऊं? चिंगलिंग पर्वत की भूल भुलैया तुम्हारे सवाल का जवाब है, अपनी भतीजी के साथ ईमानदार होने में तुम्हारी असमर्थता का कारण भी। अब जबकि तुम्हारा दिल संतुष्ट हो गया है, इलाज उस लड़की के पास है। क्या तुमने परी की आंखें देखी हैं? स्वाभाविक रूप से तुम्हारी समस्या का समाधान। शुक्रिया नेत्रहीन मैडम, हम अलविदा कहते हैं। अंकल, मुझे ये देखकर राहत मिली कि आप ठीक हैं। क्या ये ओनो के जहर का समाधान नहीं है? अब हम कहाँ जा रहे हैं? चिनलिंग रोटेज। ओह, ये बहुत अजीब है। पूर्व से पश्चिम की ओर मुंह करके पर्वत पर बैठे उत्तर की ओर देखें। सर्दियों में उत्तरी हवा दक्षिण की ओर जाती है और लाल पक्षी हवा के साथ आता है। इसे फिर से देखें। जब तक ये कंपास इस पत्थर की दीवार के करीब है, वाइटर वाइब्रेट करता रहता है। पत्थर की दीवार में 7 छोटी गुफाएं हैं, उनके अंग हैं 7 सितारे, दक्षिणी वर्मिलियन, लाल पक्षी का संकेत। किस्सों के अनुसार शू लोग अग्नि पक्षी को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते थे। फायरबर्ड का अर्थ है मृतकों में से वापस आना। सुजाकू पर केंद्रित नक्षत्र सुजाकू की आंखें। सुजाकू अफवाहों से हैरान है। लाओयांग के रूप में 4 हाथियों के साथ कृष्ण ऋतु के 4 मौसमों का प्रतिनिधि। जब हम आए तो गर्मी का मौसम था, अभी पतझड़ है। बिग डिंपर हैंडल और वेस्ट फिंगर नक्षत्रों द्वारा धकेले गए। मुझे लगता है कि पृथ्वी एक कदम पीछे चली जाती है। टिक टैक टो से शुरू करो। उसके बाद भूत। विलो खोलो। आशा जेन। ध्यान से, यहां सावधान रहना जरूरी है। यह हवा बहुत खराब है। सौभाग्य से ऑक्सीजन की मात्रा काफी है यहां पर। तेल की गंध, कोई आग नहीं। मेरे पीछे आओ। यहां ध्यान से, और यहां। चश्मेश जल्दी करो। आ रहा हूं। ओनो, क्या तुम ठीक हो?
मैं ठीक हूँ, पर थोड़ा दर्द हो रहा है। तुम्हारा जहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो अरे, पकड़ो उन्हें। मास्टर लियो, ओनो की देखभाल करने में मदद करो। किताब में दिए गए निर्देशों का पालन करो। आगे गुफा में मेरा इंतजार करना, याद है ना? अपने पैरों के नीचे पत्थर की ईंटों पर विशेष ध्यान देना। चिंता मत करें, मुझे पकड़ो, आराम से आओ। जरा रुको, हाँ अब चलते हैं। ये वो दासी होनी चाहिए जो गुफा की रखवाली करती है। मरने से पहले उसे औषधि में भिगोया गया था। मैं भविष्य में वुजिन शहर के साथ खून का आदान प्रदान करूंगा। ये देखो, ये किसी के द्वारा खास मकसद से किया गया है, मानव शरीर को दुर्गंध के बिना सुलाए रखने के लिए। क्या ये लंबी उम्र का अध्ययन कर रहे हैं? क्या ये भूत जिनसेंग है? जिनसेंग। मैंने अभी अभी उन विशेष चित्रों को देखा है, उन पर फायरबर्ड का निशान। फायरबर्ड का मतलब है मुर्दों का जी उठना। स्वर्ग अधिकारी, स्वर्गीय अधिकारी, मास्टर लियो, ओनो को साइड में ले जाओ। क्या ये भूत है? मरने से पहले उसे औषधि में भिगोया गया था। बेशक ये इंसान है, ये गुफा की दासी है। इतने वर्षों से इस बेहद ठंडी जगह में इसे हराना आसान नहीं होगा। क्या इसे हराने का कोई तरीका है? मैं खोज रहा हूं। क्या तुम्हें कोई रास्ता मिला? हाँ, आप उसी शहर आजमा कर देखें, बहुत बढ़िया समझा। बहुत बढ़िया समझा। इसका खून उजिन जहर से संक्रमित है। संक्रमित दासी लड़की उसकी नसों को नियंत्रित करके उसके शरीर को काम करने के लिए मजबूर करता है। वाह, ये अर्ध मृत भावना, ये बहुत दुख की बात है।
मेरे पिताजी की मृत्यु कैसे हुई बताइए मुझे। आपने मुझसे झूठ बोला कि वो बीमारी से मर गए थे और मेरे पिताजी यहां हैं। क्या आप अभी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? अभी हम मुख्य रूप से उचिन जहर को समझ रहे हैं। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें साफ साफ बता दूंगा। अब अभी क्यों नहीं? उस दिन क्या हुआ था बताइए मुझे। ऐसा क्या है जो मुझे बताया नहीं जा सकता? फर्क नहीं पड़ता कि उनकी सब कहते हैं कि आप हीरो हैं, लेकिन मैं अपने बाप को हीरो देखना चाहती हूँ और मैंने हमेशा आपको अपने पिता समान समझा। मैं आपसे विनती करती हूँ मुझे बताइए, प्लीज मुझे बताइए, प्लीज मुझे बताइए, बताइए ना मुझे क्या हुआ था, मुझे बताइए। क्योंकि वो तुम्हारे पिता थे। ओ नो, ओ नो, मास्टर लियो आया, जल्दी आओ। यह अद्भुत है, दो स्वर्गीय आधिकारिक मोहरे एक साथ हो गई हैं। उल्कापिंड चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क का ऐसा चमत्कारी प्रभाव है। जहर का असर खत्म हो गया मगर दरवाजा बर्बाद हो चुका है। हम सिर्फ आगे ही बढ़ सकते हैं। ध्यान से, हाँ, ध्यान से। मुझे डरा दिया था। निकलने का रास्ता उधर है, हम केवल यहां से आगे निकल सकते हैं। ध्यान से। कोई भी बाहर जिंदा नहीं जा सकेगा। उन्हों की देखभाल करने में मदद करो मेरी। यह अच्छा है, इस बार तुमने कायरता नहीं दिखाई। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ के विशेष चित्र लंबी उम्र की सीढ़ियां हो? चिल्लिंग भूलभुलैया में घुसपैठियों के लिए मौत का अभिशाप। ये पता चलता है कि वे यहाँ मुर्दों को जिंदा करने की तकनीक का गुप्त रूप से अध्ययन कर रहे थे। अफवाह उड़ी थी। जल्दी जाओ। हे,
स्वर्गीय अधिकारी। पीछे मुड़कर मत देखना, उन लोगों को अपने साथ ले जाओ। छोड़ो, क्या कर रही हो? जाओ जाओ यहाँ से। ओनो, ओनो, मुझे पकड़ो। मेरे कारण तुम्हारे पिता को क्या हुआ था, मैं तुम्हें फिर से निराश नहीं करूंगा। मेरी लंबी उम्र, मास्टर लियो, ओनो को बचाने में मदद करो मेरी। मास्टर लियो, ओनो को पहले जाने दो। मेरी लंबी उम्र बर्बाद कर दी, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ ही दफन हो जाओ। जल्दी जाओ। और आपका क्या, और मेरे पिताजी? मुझ पर विश्वास करो, मैं उसे बाहर निकालूंगा। जाओ। स्वर्गीय अधिकारी, सुनहरे मुखौटों वाला आदमी बहुत जहरीला होता है, शरीर की रक्षा के लिए आपको QUV का उपयोग करने की जरूरत है। आई एम सॉरी ओनो, मैंने तुमसे झूठ बोला था। जब तुम्हारे पिता ने मुझे जिंदा रखने की कोशिश की तो आत्महत्या को चुना। मैं इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सका और इससे भागता रहा। आज मुझे तुम्हारे पिता की मौत का बदला लेना है। तुम जाओ, मुझे वादा करो तुम्हारे पिताजी की और मेरे लिए तुम अच्छे ढंग से जियोगी। अगर तुम मरने के लिए इतने बेताब हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मुझे